अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लास्ट वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.8 के पहले 7 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। तो अब हम इस लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले तमाम नए आने वाले स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सकें। आए जी, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, फाइंड द टू इंटीजर्स हुज सम इज 9। दो ऐसे इंटीजर फाइंड करें जिनका सम जो है वो 9 है। एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्केयर्स इज आल्सो 9। उनके स्केयर्स का डिफरेंस भी 9 है। तो पहले हम इंटीजर्स लेट कर लेते हैं। लेट टू इंटीजर्स, वो क्या है? एक्स एंड वाई। अगर दो हमारे इंटीजर्स हैं x और y, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस गिवन कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन है दिस सम इज 9। इंटीजर्स हुज सम इज 9, इनका सम क्या होगा दोनों इंटीजर्स का? पहली कंडीशन है कि दोनों के इंटीजर्स का सम होगा 9, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। और सेकंड कंडीशन क्या है? एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्केयर्स इज आल्सो 9। डिफरेंस ऑफ स्केयर्स इज आल्सो 9, इट मीन्स x स्केयर माइनस y स्केयर इज आल्सो इक्वल टू 9। इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन 1 और 2 दोनों को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 1 से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो यहाँ से क्या देगा? y इज इक्वल टू 9 माइनस x। इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। इसे साथ ही पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो आंसर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y, y की जगह आ जाएगा 9 माइनस x होल स्क्वायर दैट आल्सो इक्वल टू 9। अब इस स्केयर को ओपन करें, स्केयर को ओपन करेंगे तो आ जाएगा x स्केयर माइनस, स्केयर ओपन किया तो 9 का स्केयर 81, x का स्केयर क्या आ जाएगा? x स्केयर प्रोडक्ट 2 टाइम्स माइनस 18x, दैट शुड बी इक्वल टू 9। जब माइनस के साइन को अंदर ऑपरेट कर दें और राइट साइड पे जो 9 है इसको लेफ्ट पे ले आए, सिंप्लीफाई करेंगे, x स्केयर माइनस क्या देगा 81 माइनस, ये साइन अंदर वाले चेंज हो जाएंगे, ये भी आ जाएगा माइनस एक्स स्केयर, और ये माइनस और माइनस क्या देगा प्लस आ जाएगा, प्लस 18x इज इक्वल टू 9। ये एक्स स्केयर जो है वो एक्स स्केयर से कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया 18x इज इक्वल टू 9। ये माइनस 81 राइट साइड पे जाके आ जाएगा प्लस 81। 18x इज इक्वल टू दोनों को ऐड किया तो हो गया 90। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 डिवाइडेड बाय 18, एक्स शुड बी इक्वल टू 5। अगर एक्स की वैल्यू 5 है तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन वन में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 थी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दें 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस 5, तो वाई इज इक्वल टू 4। ये y की वैल्यू निकल आई। तो हमारे दोनों इंटीजर्स जो है वो हमने फाइंड कर लिए हैं। इंटीजर्स क्या थे? x एंड y थे। तो x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 4। रिक्वायर्ड इंटीजर्स क्या आ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? फाइंड टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 4 and whose scares differ by 72। दो इंटीजर्स हैं, लेट कर लें, लेट टू इंटीजर्स, वो क्या है? x एंड y। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस क्या है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है? हुज डिफरेंस इज 4। दोनों इंटीजर्स का डिफरेंस जो है वो 4 है, मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का।
इसी तरह से सेकंड वाली कंडीशन क्या है, स्केयर्स डिफर बाय 72, इनके स्केयर्स के दरमियान डिफरेंस जो है वो 72 है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर शुड बी इक्वल टू 72, इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ से एक्स या वाई दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल लें, जो लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे देखें एक लीनियर इक्वेशन बन गई है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो जब भी हमारे पास एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, तो ये हमने पिछली वाली एक्सरसाइज 2.7 में पहले चार क्वेश्चन इसी टाइप के थे वहाँ पे सीखा था किस तरह से करते हैं, लीनियर इक्वेशन में से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं और क्वाड्रेटिक में पुट कर देते हैं। यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स माइनस 4, इसे क्या करेंगे पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से पुट कर दें, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई की जगह एक्स माइनस 4 दैट शुड बी इक्वल टू 72। इसका स्केयर है, ये स्केयर ओपन कर दें तो एक्स के माइनस, स्केयर ओपन किया तो एक्स के प्लस 16 माइनस 8x इज इक्वल टू 72। सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस को अंदर ऑपरेट किया तो आंसर आ जाएगा एक्स केयर माइनस एक्स केयर माइनस 16 प्लस 8x इज इक्वल टू 72। तो यहाँ पे एक्स केयर प्लस और माइनस में दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इधर माइनस 16 है राइट साइड पे जाएगा तो प्लस 16 हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई होके 8x इज इक्वल टू 72 प्लस 16, 8x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड किया 72 प्लस 16 88, ये 8 इधर आके डिवाइड हुआ तो x इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाय 8 तो x इज इक्वल टू 11, ये x की वैल्यू आ गई है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2-1 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो x की जगह आ जाएगा 11, 11 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो 11 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, वाई को इधर लेके ताकि पॉजिटिव हो जाए, तो रीअरेंज करेंगे y इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास जो है वो पॉसिबल आंसर्स क्या आ गए हैं, x 11 है और y जो 7 है, तो रिक्वायर्ड इंटीजर्स क्या आ गए, रिक्वायर्ड इंटीजर्स क्या हैं, 11 एंड 7। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड दी डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल एक रेक्टेंगल की डायमेंशन फाइंड करनी है, डायमेंशन से क्या मुराद है, इसकी लेंथ और विड्थ हमने फाइंड करनी है, जबकि गिवन क्या है, हुज पेरीमीटर इज 80 सेंटीमीटर, पेरीमीटर हमें 80 सेंटीमीटर गिवन है एंड इट्स एरिया इज 375 सेंटीमीटर स्क्वेयर, और इसका एरिया जो है वो 375 सेंटीमीटर स्क्वेयर है। तो सबसे पहले हम इसकी डायमेंशन लेट कर लेते हैं, डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की डायमेंशन है एक्स एंड वाई, अगर इसकी डायमेंशन है एक्स और वाई, एक्स लेंथ है तो वाई विड्थ होगी, अगर एक्स विड्थ है तो वाई लेंथ होगी। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, तो पहले पेरीमीटर ऑफ दी रेक्टेंगल क्या आएगा, ऑफ रेक्टेंगल, हमें पता है रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, 2 times लेंथ इंटू विड्थ एक्स प्लस वाई, एरिया ऑफ पेरीमीटर का क्या फार्मूला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पहले है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है 2 into x plus y, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला है, वो है लेंथ इंटू विड्थ मतलब एक्स वाई, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस क्या है, गिवन कंडीशंस क्या है, पेरीमीटर कितना होना चाहिए,
80 सेंटीमीटर, हमें पैरीमीटर क्या के हमारे फार्मूले के मुताबिक पैरीमीटर क्या आता है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, मतलब 2 इंटू एक्स प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 80। यहाँ से बेटा x प्लस वाई की एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, 2 इधर आके डिवाइड होगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या है, इट्स एरिया इज 375 और हमें एरिया हमने जो फार्मूला फाइंड किया है वो एक्स वाई है, इट मीन्स एक्स वाई शुड बी इक्वल टू 375। सेकंड कंडीशन क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 375, इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 से एक्स या वाई की वैल्यू निकालें और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। वाई की वैल्यू निकालते हैं तो वाई किसके इक्वल आ जाएगा, y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, इसे पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो x y की जगह आ जाएगा 40 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 375। एक्स को मल्टीप्लाई किया तो 40x माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 375। हमारी कोशिश होती है कि एक्स स्केयर का कोफिशियंट जो है वो पॉजिटिव आए तो इसको क्या करेंगे, राइट साइड पे ले जाएंगे। राइट साइड पे लेके जाएंगे तो क्या देगा, यहाँ पे ज़ीरो रह जाएगा, ज़ीरो इज इक्वल टू 375 माइनस 40x प्लस एक्स स्केयर, रीअरेंज किया तो एक्स स्केयर माइनस 40x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये फैक्टराइज हो सकती है, इसे फैक्टराइज कर लें। इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, एक्स स्केयर माइनस 25x माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से बच्चों दोनों में से, अब ये दो ऐसे नंबर हैं माइनस 25 और माइनस 15 को मल्टीप्लाई करें तो 375 आ जाता है, और आपस में इनको सिंप्लीफाई करें, ऐड करें तो ये माइनस 40 ही बन जाता है। तो यहाँ से x को कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन निकालेंगे आएगा x माइनस 25 माइनस 15 कॉमन निकालेंगे, x माइनस 25 दैट शुड बी इक्वल टू 0, इट मीन्स x माइनस 15 एंड x माइनस 25 दैट शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो है, इट मीन्स एट लीस्ट वन ऑफ देम शुड बी इक्वल टू 0। x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 15 और या फिर x की वैल्यू आ जाएगी 25। अब डायमेंशन में दो वैल्यूज थी, लेंथ एंड विड्थ, एक x और दूसरी y। यहाँ पे x वाली वैल्यू हमें फाइंड हो गई है, y वाली वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 में, x की जो वैल्यू है इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट किया, इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, इसमें 15 पुट करेंगे x की जगह तो 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू क्या देगा, 40 माइनस 15, y इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगा, सेंटीमीटर। इसी तरह से x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, ये क्वेश्चन नंबर 1 थी, इसमें x की जगह 25 पुट करेंगे तो 25 प्लस वाई इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू क्या देगा, 40 माइनस 25, y इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये इसकी डायमेंशंस फाइंड हो गई हैं। अब यहाँ पे देखें इनकी डायमेंशंस क्या निकली, x जो है अगर 15 है तो y क्या देगा, 25 सेंटीमीटर। अगर x 25 सेंटीमीटर है तो y कितना देगा, 15 सेंटीमीटर्स। हैंस डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की डायमेंशंस फिर क्या बनेंगी, अगर x 15 है तो 15 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, या फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, 25 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर। ये हमारी रिक्वायर्ड डायमेंशंस आ गई रेक्टेंगल की।
अच्छा बच्चों, हमने ये चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट कर लिया है, इसकी एक्सरसाइज जो है वो रह गई है। इंशाल्लाह एक्सरसाइज लेटर ऑन जो है हम इसको अपलोड कर देंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ ही, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। जिस तरह से आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था, उसकी भी एक्सरसाइज रहती थी, इसकी भी अभी एक्सरसाइज रहती है। दोनों एक्सरसाइज के लेक्चर इंशाल्लाह लेटर ऑन जो है हम अपलोड करेंगे, लेकिन पहले हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।